Hello everyone, welcome to Reno's Englishpedia. I am back after a long gap, but I am back with a video in Hindi which will help you to understand Ivan tries an O level. I have tried to incorporate both Hindi and English in this recording. ये जो recording है ये एक actual class transaction है जो हुआ है. सो आई होप कि आपको ये समझ में आए और आप इसको अप्रिशिएट करो. हाँ जी, इवान ट्राइज एन ओ लेवल रिटन बाय कॉलिन डेक्स्टर. पहले तो इसका जॉनरे क्या है, मतलब ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? व्हाट डू यू थिंक इज द स्टोरी लाइन ऑफ दिस चैप्टर? जोर से बोलो. जेल ब्रेक. व्हाट एल्स? Not exactly a mystery, something like a suspense, a thriller, इस तरह का इसका है. Main characters कौन है? Evans है, Governor है, Jackson and Stephen, who else? Mac Cleary, very important, and another two characters, Superintendent Carter and Bill, right? अब इसमें से जो बिल्कुल दो जन जिसको हम बाकी तो सब आसपास घूम रहे हैं, पर जो मेन दो बंदे हैं दैट इज द गवर्नर एंड इवांस. इवांस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ही इज वेरी कनिंग. इज ही वायलेंट? नो, नॉट एट ऑल वायलेंट. ही इज अ स्टार परफॉर्मर एट क्रिसमस कॉन्सर्ट्स. वाई? किस चीज़ के लिए वो स्टार परफॉर्मर है? इमिटेशंस पूरे चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है या नहीं है? कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट है? जब फाइनली वुंडेड मैक क्लियरी इवांस, मतलब इवांस एज वुंडेड मैक क्लियरी सेल से बाहर निकलता है, ही इमिटेट्स द वॉइस ऑफ मैक क्लियरी, द मैनरिज्म्स ऑफ मैक क्लियरी. तो मिमिक्री वहाँ पर नज़र आती है, राइट? जब एग्जामिनेशन बोर्ड से कॉल आता है, ये पूरा एक ग्रुप है, इवांस का पूरा ग्रुप है जो लोगों की मिमिक्री करते हैं. और ये जब पूरा ग्रुप एस्केप प्लान में इन्वॉल्व है तो डिफरेंट प्लेसेस पे मिमिक्री का यूज़ हो रहा है. जब गवर्नर को फ़ोन किया जा रहा है प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, तभी भी मिमिक्री चल रही है, राइट? तो इवांस की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है दैट ही इज़ अ वेरी गुड मिमिक. देन ही इज़ नॉट एट ऑल वायलेंट. यू हैव टू कीप इन द माइंड, क्योंकि आपका जो प्री बोर्ड का क्वेश्चन था वो इसी के ऊपर बेस्ड था कि वो अगर कॉन्जेनिटल क्लेप्टोमेनियक ना होता तो वो अपनी लाइफ को सक्सेस कैसे बना सकता था. वुड ही हैव बीन अ सक्सेस स्टोरी? एंड द आंसर इज यस. क्यों सक्सेस स्टोरी वो बनता? जल्द. ही वॉज अ मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, अ ब्रिलियंट प्लानर. ही वॉज अ गुड टीम लीडर, गुड टीम वर्कर. उसको ह्यूमरस आता था, वो सोसाइटी में एक्सेप्टेड था, हाई ऑफिशियल्स, हाई रैंकिंग प्लेसेस में उसकी दोस्ती थी. जब एक इंसान के पास ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं तो फिर उसके लिए किसी भी काम में ब्रिलियंट होना, सक्सेसफुल होना मुश्किल नहीं होता, ठीक है? दिस स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन इवान एक्सप्रेसेस हिज डिज़ायर टू गिव द जर्मन ओ लेवल एग्जामिनेशन. जर्मन लैंग्वेज क्यों चूज़ किया था? बिकॉज इट वॉज नॉट अ कॉमन लैंग्वेज. Chances of another student being there to study in prison, the German language would have been very negligible. शायद ही कोई और होता, right? उसको ये क्यों नहीं चाहिए था कोई और prisoner उसके साथ exam cell में हो? Because जो German tutor आने वाला था वो उसके plan का already long ago हिस्सा था, that he would have been an accomplice of Evans. Accomplice मतलब गलत काम में साथ देने वाले को एकम्प्लिस बोला जाता है. फ्रेंड नहीं, गलत काम में जो साथ दे वो एकम्प्लिस है, ठीक है? उसको पता था कि जो ट्यूटर आने वाला है वो टेक्निकल कॉलेज से नहीं होगा, वो मेरा दोस्त होगा. ये सब उसने प्लानिंग पहले करके रखी थी. देयरफॉर ही चोज अ सब्जेक्ट विच वॉज नॉट एट ऑल पॉपुलर बिकॉज द चांसेस ऑफ एनी प्रिजनर स्टडिंग इट वुड बी वेरी लेस. अब उसके बाद ये प्लान तो उसने बना लिया, उसने गवर्नर से भी बात कर दी. गवर्नर बेवकूफ़ था?
Was the governor an idiot? No. Did who is outside? Did the governor know that Evans would use this opportunity to escape? हंड्रेड परसेंट उसको यकीन था कि इवांस हु वॉज नोन एज इवांस द ब्रेक, प्रिजन अथॉरिटीज उसको इवांस द ब्रेक बुलाते थे. क्यों? थ्री टाइम्स उसने जेल से एस्केप किया था, राइट? गवर्नर को पता था कि ये इंसान ऐसा है जिसको सबसे ज्यादा मजा आता है अपनी ब्रेन्स को प्रिजन अथॉरिटीज के साथ चैलेंज करने में, पिट करने में, PIT, पिट, पिटिंग योर ब्रेन्स अगेंस्ट द पिटिंग, PITTING, पिटिंग का मतलब है चैलेंजिंग. यू चैलेंज द प्रिजन अथॉरिटीज, आप अपना ब्रेन का वॉर करते हो प्रिजन अथॉरिटीज के साथ, राइट? उसका ये सबसे मास्टर स्ट्रैटेजी था कि वो प्रिजन अथॉरिटीज के साथ अपने ब्रेन्स को चैलेंज करता था और इस तरह से स्ट्रैटेजाइज प्लान करता था कि ही शुड एमर्ज द विनर, राइट? इवांस एक प्लान बनाता था कि कई प्लान्स बनाता था? अगर ये अनसक्सेसफुल होगा तो मैं इसको यूज करूँगा, ये होगा ऐसे तो मैं ऐसे करूँगा, ऐसे होगा तो मैं ऐसे करूँगा. मतलब उसने हर कंटिनजेंसी, CONTINGENCY, कंटिनजेंसी का मतलब कोई भी चांस अकरेंस हो उसके लिए कोई ना कोई प्लान बना के रखा था. क्लियर? अब गवर्नर को पता था कि इवांस भाग रहा है, उसने अपनी तरफ से बड़ी कोशिशें की, सारे लूपहोल्स बंद करने की कोशिशें की, बट देवर सम लूपहोल्स विच ही कुड नॉट कवर. जहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट आ जाता है वहाँ पे हम देखते हैं कि गवर्नर लूप होल्स को कवर नहीं कर पाया. एक जेन्युइन प्रॉब्लम होती है कि अगर आपके सर पे कोई खड़ा हो तो आप एग्ज़ाम नहीं लिख सकते. तो जब इवांस ने एग्ज़ाम लिखते हुए ऑब्जेक्ट किया कि स्टीफन मेरे सर पे खड़ा है तो मैं एग्ज़ाम नहीं लिख सकता हूं, तो गवर्नर की वहाँ गलती हो गई कि उसने स्टीफन को बोला सेल छोड़ के चले जाओ, राइट? उससे पहले गवर्नर ने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए थे? लिसनिंग डिवाइस उसके रूम में लगाया था जिसको लिसनिंग बग लिखा गया है, राइट? उन्होंने उसका रूम थरली चेक करवाया था. कोई भी सामान जो डेंजरस हो सकता था, विच कुड बी यूज्ड एज एन एस्केप, वो सारा सामान कॉन्फिस्केट कर लिया था, निकाल लिया था रूम से बाहर, राइट? यहाँ तक कि उसका नेल सीजर्स, नेल फाइल और रेजर भी उन्होंने ले लिया था. इस बात को सुन के इवांस को गुस्सा आया. इफ़ यू रिमेंबर इन द स्टोरी, इवांस गॉट अ लिटिल एंग्री बट देन ही गॉट होल्ड ऑफ हिज टेम्पर. अब ये जो प्लानिंग था, ये जो गुस्से पे कंट्रोल किया था और उसने इमीडिएटली उस बात को संभाला था, डू यू थिंक दैट वॉज अगेन अनदर प्लान और डिवाइस प्लान उसी टाइम का था? उसी टाइम पे प्रॉब्लम आया था तो उसने उसकी स्ट्रैटेजी ढूंढी थी या नहीं ढूंढी थी, राइट? उसने उसी टाइम पे उसकी स्ट्रैटेजी ढूंढ ली थी कि अब ये मेरे पास प्रॉब्लम आई है, मेरा नेल सीजर्स चला गया है. नेल सीजर्स से उसने क्या करना था? नेल सीजर्स से इवांस ने क्या करना था? बाल काटने थे. क्यों काटने थे? Yes, बाल काट के मैक्लियरी को रिजेंबल करना था एट द एंड ऑफ द एग्जाम, राइट? मैक्लियरी की एक और बात याद रखना, उसके लंबे बाल थे. उसको शर्ली टेम्पल के नाम से प्रिजन अथॉरिटीज चिढ़ाते थे, टीज करते थे. शर्ली टेम्पल वॉज अ वेरी फेमस एक्ट्रेस, शी वॉज नोन फॉर हर लॉन्ग वेवी हेयर. इवांस का प्राइड था, इवांस का लव था उसके बाल, बट एस्केप प्लान के कारण उसने अपने बालों को भी सैक्रिफाइस कर दिया था. अदरवाइज अगर किसी बच्चे को बोलो बाल काटो, अगर वो फैशन फॉलो कर रहा है तो वो बिल्कुल नहीं सुनेगा, राइट? बट इवांस अपने आप को जिताना चाहता था एट एनी कॉस्ट, तो उसने अपने बालों को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हुआ था. ये बाल वो किसके अंडर छुपाने वाला था? द बॉबल हैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज एस्केप प्लान.
क्योंकि उसके कटा हुआ जो बाल है वो यूजिंग दैट बॉबल हेड वो छुपाने वाला था। इस प्लान में स्टीफन और जैक्सन ने क्या ऑब्स्टिकल डाला? जैक्सन ने बोला रिमूव योर बॉबल हैट, रिमूव द पिनअप्स। रूम में इनके पिनअप्स से बोला कि नई पार्सन आने वाला है तो ये जितने भी पोस्टर्स लगाए हैं ये सब निकालो और बॉबल हैट निकालो। बॉबल हैट अगर उस टाइम पे वैंस निकाल देता तो जैक्सन को कैसे पता चलता पार्ट ऑफ द एस्केप प्लान है? उसके बाल उसके फेवरेट थे। देखो एक बच्चा है क्लास में हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठ रहा है, एग्ज़ाम वाले दिन वो जाके लास्ट बेंच पे बैठे तो टीचर को यहाँ पे खनकेगा कि ये पीछे गया चीटिंग करने को गया है, यस और नो? उसी तरह से जिस बंदे को बाल पसंद है वो एग्ज़ाम वाले दिन बाल काट रहे है, दैट टू नॉट बाय अ बार्बर, खुद से उसने बाल काट दिए है, तो दिमाग खटक जाएगा ना जैक्सन का कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने बोला कि मेरा बॉबल हार्ट मत निकलवाओ। इवांस ने बोला दिस इज़ माई लकी चार्म, लकी चार्म मतलब समथिंग विच विल ब्रिंग मी लक, मेरे लिए एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मुझे वो मेरे लक के लिए काम करेगा। जैक्सन जितना मर्जी कड़क ऑफिसर था, स्टर्न ऑफिसर था, बट उसका दिल जो था वो थोड़ा सा सॉफ्ट था, अगेन ह्यूमैनिटेरियन टच है ना। तब उसने बोला कि ठीक है तुम अपना हैट पहन के रखो। तो वहाँ पे प्रिजन अथॉरिटीज़ की गलती हो गई, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम्स का मतलब गवर्नर के दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा है कि इवांस पता नहीं क्या क्या कर रहेगा, क्या क्या कर रहेगा, वो सोच ही जा रहा है। अचानक से उसके दिमाग में आया कि जो इनविजिलेटर है मैक्लियरी, राइट, वो एग्ज़ाम मतलब उसके पास कोई ऐसा सामान ना हो जिसको इवांस यूज़ कर ले फॉर हिज एस्केप, राइट। तो उसने जैक्सन को और स्टीफन को बोला कि मैक्लियरी जब आएगा तब उसको उसकी भी थरो चेकिंग करनी है, राइट। उन्होंने जब मैक्लियरी आया उसकी थरो चेकिंग करी है ना, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आई? जब वो रबर ट्यूब आई, जब उसने पूछा कि ये रबर रिंग तुम्हें क्यों चाहिए तो उसने बोला दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स का मतलब होता है पाइल्स, राइट, आपको बहुत मुश्किल होती है बैठने में। तो ही सेड और ये इट्स नॉट अ कॉमन टॉपिक, इट इज़ समथिंग विच एम्बेरसेस एवरीवन टू टॉक ओपनली दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम हेमोरॉइड्स। तो जैक्सन भी फ्लस्टर हो गया, स्टीफन भी फ्लस्टर हो गया और मैक्लियरी भी फ्लस्टर हो गया। तो उन्होंने उसके बाद जितना थरो सर्च करना था उतना थरो सर्च नहीं किया। अगर थरो सर्च किया होता मैक्लियरी का तो उसमें क्या क्या मिलता? उसने डबल ड्रेस पहनी थी, डबल शर्ट कॉलर पहना था, डबल फ्रंट पहनी थी, रबर रिंग के अंदर पिग्स ब्लड मिला हुआ था विद ह्यूमन ब्लड, तो ये चीज़ें मिल जाती, राइट। इस ब्लड के अंदर एक केमिकल भी था आई थिंक इट यस, आई ऑलवेज फॉरगेट द केमिकल्स नेम, इट्स नॉट समथिंग अप टू मी, वो तुम लोग याद रखो। तो ही दीज थ्री थिंग्स वर मिक्स इन द रबर रिंग, राइट। और ये क्यों मिक्स किया गया था, वो हाउ वुड दैट हैव हेल्प्ड द ब्लड? ह्यूमन ब्लड की टेंडेंसी है टू क्लॉट, उसको क्लॉटिंग से बचाने के लिए उसमें ये चीज़ें डाली गई थी। अब कितने मैक्लियरीज हैं चैप्टर में, दिस इज वेयर चिल्ड्रन गेट कन्फ्यूज। देर आर थ्री मैक्लियरीज। फर्स्ट मैक्लियरी इज द ओरिजिनल मैक्लियरी जिसको उसके अपने स्टडी में बांध के, मुंह बांध के, हाथ पैर बांध के फेंक दिया गया था। फिर एक इम्पोस्टर मैक्लियरी है जो मैक्लियरी बन के प्रिजन में आता है एग्जाम लेने के लिए, राइट। देन देर इज थर्ड मैक्लियरी द इंजर्ड मैक्लियरी। ये इंजर्ड मैक्लियरी कौन है? इट इज इवांस, राइट। इनका प्लान था कि ये इस तरह से शो करेंगे कि जो जेल के बाहर मैक्लियरी गया है वो इवांस है और जो जेल के अंदर मैक्लियरी है वो ओरिजिनल मैक्लियरी है, राइट। तो ये मतलब उस मैक्लियरी के पीछे भाग जाएंगे जो स्टीफन्स के साथ भाग गया है और इधर से ये इंजर्ड मैक्लियरी जो है वो अपना आराम से विदाउट एनी टेल्स, विदाउट एनी पुलिस बिहाइंड हिम, वो आराम से छुप सकता है अपनी जगह पे, अपने रेंडेवू पॉइंट पे जा सकता है। रेंडेवू पॉइंट होता है जहाँ पे उसने फाइनली जाके रिकूप करना है, अपना सारा भेस बदलना है,
ठीक है, अब जब मैक्लियरी की चेकिंग की उन्होंने, ऑल्दो दे हैड वांटेड टू डू इट थरली, बट उन्होंने इतनी थरली नहीं की, वो फ्लस्टर्ड हो गए, उन्होंने ऐसे ही जाने दिया। रूम में एक और प्रिकॉशन था, लिसनिंग बग लगाया हुआ था, राइट, गवर्नर उसकी सारी बातें सुन रहा था। एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, ये बेंच में ठीक कर दूँगी सर। एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, सॉरी, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले जब स्टीफन आके वो रूम में बैठा, तो इवांस ने ऑब्जेक्शन किया कि ये मेरे रूम में क्यों बैठा है, मेरे सर पे बैठा है, तो मैं एग्ज़ाम नहीं लिख सकता, इसको रूम से बाहर निकालो। तो गवर्नर ने उसकी लिसनिंग डिवाइस में बात सुनी और स्टीफन को बोला कि तुम बाहर आ जाओ। उसके बाद एग्ज़ाम शुरू हुआ, मैक्लियरी ने सारे कोऑर्डिनेट्स नहीं, एग्ज़ाम कोड, पेपर कोड, सेंटर कोड, वो सारे नंबर्स दिए। वो एक्चुअली नंबर्स थे कि कोऑर्डिनेट्स ऑन द मैप थे? व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑन द मैप? एक्स एंड वाई एक्सिस जो मैप का होता है, जिससे हम जगह को पिन पॉइंट करते हैं, वो होते हैं कोऑर्डिनेट्स। अगर ऑर्डिनेंस मैप पे उन कोऑर्डिनेट्स को डालोगे, तो इवांस ने कहाँ भाग के जाना था वो जगह मिल जाती है। तो एग्ज़ाम शुरू हो गया, राइट। अब जब एग्ज़ाम शुरू हुआ, थोड़ी देर बाद देर वॉज ए कॉल फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड। एक्चुअली एग्जामिनेशन बोर्ड से नहीं थी, इवांस के कंप्लिस ने किया था, बट चैप्टर में हमें बताया जाता है कि एग्जामिनेशन बोर्ड से कॉल आई सेइंग दैट देर इज़ अ करेक्शन इन द जर्मन पेपर, और कितनी देर पहले एग्ज़ाम शुरू हुआ। इसके पीछे दो इम्पॉर्टेंट कारण थे, एक तो उनको एग्जामिनेशन का टाइम पता चलेगा, तभी वो ख़त्म होने से एग्जैक्टली 2 मिनट पहले एक डाइवर्जन क्रिएट कर सकेंगे, जहाँ पे मैक्लियरी सेल से बाहर आ जाएगा और इवांस विल बी एबल टू गिव द फिनिशिंग टचेस टू हिज मेकअप टू प्रिटेंड टू बी मैक्लियरी, है ना। ही हैड टू स्मियर हिमसेल्फ विद ब्लड, उसको प्रिटेंड करना था कि उसको चोट लगी है। तो वो घंटा पहले तो खून लगा के देख नहीं सकता था, क्यों? क्योंकि स्टीफन हर 1 या 2 मिनट बाद पीप होल में से वो रूम के अंदर झांक झांक कर देख रहा था क्या हो रहा है, तो वो पहले तैयार होके नहीं बैठ सकता था, राइट, एग्ज़ाम से 2 मिनट पहले ही करना था। सेकेंडली, वो करेक्शन स्लिप के थ्रू जिस होटल में, गोल्डन लायन होटल में इवांस ने जाना था, उसका नाम छुपा हुआ था, राइट। सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस करेक्शन स्लिप के लिए जो फ़ोन कॉल आया था, द फर्स्ट फ़ोन कॉल। तो गवर्नर ने बोला कि हाँ, इस टाइम पे एग्ज़ाम शुरू हुआ है, कोई बात नहीं, मैं करेक्शन करवा देता हूँ। करेक्शन हो गया। अब पूरे एग्ज़ाम के दौरान इवांस कैसे बैठा हुआ था? जैसे आप लोग बैठते हो जब पता नहीं होता है, मुँह में पेन चबा के बैठोगे और इधर उधर देखोगे, राइट, पूरा टाइम उसके मुँह के अंदर पेन था। उसके बाद उसने थोड़ी देर बाद बोला, मुझे ठंड लग रही है, कि कैन आई वेयर अ ब्लैंकेट, मैं क्या एक ब्लैंकेट ओढ़ सकता हूँ? तो उसको परमिशन मिल गई, ठंड थी, सेलर्स में थोड़ा ठंड भी होता है, एग्ज़ाम में भी आप ठंडे हो जाते हो, तो उन्होंने इस बात को नेगेटिव नहीं लिया। उन्होंने अगेन ह्यूमैनिटेरियन टच में आके बोला कि तुम ब्लैंकेट ओढ़ लो। ब्लैंकेट के नीचे वो क्या कर रहा था? ही वॉज चेंजिंग हिज क्लोथ्स, राइट। उसके हाथ अंदर थे, ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था, मुंह में पेन था। दिस इज हाउ स्टीफन सॉ हिम थ्रू आउट द एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम के एग्जैक्टली 2 मिनट पहले, ख़त्म होने के 2 मिनट पहले, अगेन स्टीफन को फ़ोन आता है। जैक्सन बोलता है, स्टीफन को तुम्हारे लिए गवर्नर का कॉल है। अगेन यहाँ पे देखो, गवर्नर की वॉइस इमिटेट हो रही है। मैंने आपको कहा था ना, मिमिक्री इमिटेट करने में इसके कंप्लिसेस का पूरा एक गैंग था। तो अब इन्होंने गवर्नर की वॉइस को इमिटेट करके स्टीफन को बोला दैट ही वॉज सपोज टू एस्कॉर्ट मैक्लियरी आउट ऑफ द जेल। एनी आइडिया कि स्टीफन को ही ये बात क्यों बोली गई थी? वो नया था, तो एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा पहचान नहीं थी। मोर ओवर, जो नए बंदे होते ना, दे वॉन्ट टू प्रूव देमसेल्व्स, वो दिखाना चाहते कि हम भी कुछ करने लायक हैं, हम में भी कैपेबिलिटी है। तो वो और भी ज़्यादा बड़े उसमें, उसको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान हो जाएगा इन कारणों से। तो जब वो गया मैक्लियरी को लेने के लिए वैंस के सेल से, मैक्लियरी वॉज कमिंग आउट,
वो उसको लेते हुए गया, जब वो लेके जा रहा था ही ऑब्जर्व टू थिंग्स अबाउट दिस मैक्लियरी। वो दो चीज़ें क्या थी? उसके चलने के तरीके में नहीं, ही वॉज अपियरिंग स्लिमर। कपड़े उतर गए थे ना, डबल सेट निकल गया था तो पतला लगने लग गया था। मोर ओवर उसका एक्सेंट, उसका स्कॉट्स एक्सेंट जो था वो चेंज था। एक्सेंट मतलब बोलने का तरीका, स्कॉट्स एक्सेंट तो था बट वो ज़्यादा खिंची हुई एक्सेंट थी। अब ये खिंची हुई जो स्कॉट्स एक्सेंट थी, ये बाय मिस्टेक थी कि डेलिबरेट था? डेलिबरेट बेटा, ये जो डेलिबरेट क्लूज थे टू मिसलीड द प्रिजन अथॉरिटीज, इसको आपके सैम्पल पेपर में कौन सा टर्म दिया गया है? रेड हेरिंग टेक्निक। रेड हेरिंग टेक्निक का मतलब है झूठे मूठे आपको सबूत छोड़े जाते हैं, एविडेंसेस छोड़े जाते हैं, सो दैट यू आर थ्रोन ऑफ द ट्रैक। आप असली ट्रैक से आप साइड रूट ले लो, आप डाइग्रेस कर जाओ फ्रॉम द मेन ट्रैक, दैट इज नोन एज द रेड हेरिंग टेक्निक। कॉलिन डेक्स्टर एम्प्लॉयज द रेड हेरिंग टेक्निक ताकि के रीडर्स को पूरा समझ में नहीं आए कि एक्चुअली रियल एस्केप प्लान क्या चल रहा है। जब रीडर पहली बार ये चैप्टर पढ़ता है तो उसको लगता है इवांस ही भागा है एज मैक्लियरी, बट वो मैक्लियरी ही भाग गया है जो पहले मैक्लियरी बन के अंदर आया था। इट वॉज डेलिबरेट, दैट चेंज इन द एक्सेंट वॉज डेलिबरेट। ठीक है, अब स्टीफन छोड़ के आता है तो उसको लगता है कि आई शुड वेरीफाई वेदर एक्चुअली इवांस इज इन द सेल ओके और नॉट, मेरा ये काम होएगा तो मैं आराम से कॉफ़ी पी सकता हूँ। अंदर गया तो उसने क्या देखा? इवांस वॉज कम्प्लीटली फुल ऑफ ब्लड, उस पूरा ब्लड से लथपथ था, एंड ही वॉज ड्रेस्ड अप लाइक मैक्लियरी, उसने मैक्लियरी की तरह कपड़े पहने हुए थे। हाफ ऑफ हिज फेस वॉज फिल्ड विद ब्लड, दूसरे हाफ से उसने रुमाल से अपना सर रखा, सर पे हाथ रखा हुआ था एज इफ ही इज ट्राइंग टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बहाव को रोकने के लिए उसने उसको हैंडकरचीफ से प्रेस किया हुआ है। एंड ही अपीयर टू बी वेरी फ्रेल, और उसने बोला कि मुझे पता है, गवर्नर ने बोला इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, बट उसने बोला नहीं मुझे पता है इवांस कहाँ भागा है, और उसने क्वेश्चन पेपर की तरफ पॉइंट आउट किया। राइट, क्वेश्चन पेपर जब खोल के देखा तो उसके लास्ट पेज पे एक पेज चिपकाया हुआ था, एम्बॉस था, जिसमें लिखा हुआ था कि उसने भाग के न्यूबेरी जाना है एल्सफील्ड होते हुए। एल्सफील्ड क्यों इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे क्या था? द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट इज इन एल्सफील्ड वे। एल्सफील्ड वे होते हुए न्यूबेरी जाना है, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे थे कि अपने स्कॉट्स एक्सेंट का ध्यान रखना, ज़्यादा उसको ब्रॉड मत करना। राइट, जब ये चीज़ें उन्होंने क्वेश्चन पेपर पे पढ़ी तो उनके दिमाग में क्या आया? कौन भाग गया है? इवांस के मैक्लियरी, इवांस। ये एक्चुअल में क्ल्यू था, मतलब गलती से ये क्वेश्चन पेपर रह गया था कि डेलिबरेटली छोड़ा गया था। अगेन दैट क्वेश्चन पेपर इज अ रेड हेरिंग, डेलिबरेटली छोड़ा गया था टू मिसलीड द रीडर्स। राइट, ये सुन के गवर्नर घबरा गया, उसने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को एल्सफील्ड वे भेजा, वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स के साथ न्यूबरी के साथ कॉन्टैक्ट किया, और इधर से उसने इंजर्ड मैक्लियरी दैट इज इवांस को हॉस्पिटल भेजा। अब यहाँ पे गवर्नर की नेग्लिजेंसी, क्या नेग्लिजेंसी? उसको मैक्लियरी को खुद लेके जाना चाहिए था, फ्लस्टर होने की बजाय मैक्लियरी को ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए था। वो ध्यान से देखता तो उसको पता चल जाता कोई चोट नहीं है, ध्यान से देखता तो उसको पता चल जाता ये मैक्लियरी नहीं है, इवांस है। अगर वो खुद उसको लेके जाता तो भी ये बातें पता चल जाती, बट वो बड़ा कॉम्प्लिसेंट था, बड़े आराम से उसने इवांस को वो पुलिस ऑफिसर्स के साथ भेज दिया। मैं कन्फ्यूज हूँ बिटवीन द नेम ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स, तो वो अपने आप से देख लेना। उसके बाद जब वो वहाँ पे इधर से ये लोग चले गए थे न्यूबरी, ये लोग वापस आए तो इनको उस इवांस का कोई अता पता मिला? इवांस का अता पता मिला? नो, बिकॉज वो न्यूबरी गया ही नहीं था। अब जब पता चला वहाँ पे इवांस नहीं मिला तो गवर्नर ने बोला कि चलो मैं हॉस्पिटल फ़ोन करके मैक्लियरी का पता करता हूँ। तब क्या पता चला?
दैट मैं क्लियरली तो हॉस्पिटल पहुंचा ही नहीं, क्योंकि जब एम्बुलेंस एग्जामिनेशन बोर्ड पहुंची तो वहाँ पे मैं क्लियरली नहीं था। अब ये बात जब गवर्नर ने सुनी तो उसको सारा का सारा प्लान समझ में आ गया। मोर ओवर, हाँ जी, मेरे ख्याल से कार्टर ही लेके गया था मैक्लियरी को। एग्जामिनेशन बोर्ड, मैक्लियरी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स है ना एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए, तो उसने कार्टर को बोला था कि मुझे एग्जामिनेशन बोर्ड उतार दो, मैं खुद यहाँ से एम्बुलेंस से हॉस्पिटल चला जाऊँगा, मुझे ये एनवेलप जो है वो वहाँ पे डिपॉजिट करवाना है। तो ये कार्टर की बेवकूफ़ी थी, ही शुड हैव टेकन हिम टू द हॉस्पिटल हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ लीविंग हिम एट द एग्जामिनेशन बोर्ड, राइट। जब गवर्नर ने देखा कि इवांस सॉरी मैक्लियरी तो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, ही स्टार्टेड सस्पेक्टिंग समथिंग। फिर जब क्वेश्चन पेपर के करेक्शन स्लिप को ध्यान से देखा, ही अंडरस्टूड दैट जो उसमें होटल दिया हुआ है दैट इज़ द नेम ऑफ द होटल और एरिया उसको वो कोऑर्डिनेट से पता चल गया, ठीक है। अब इन द मीन टाइम अब वो सेकेंड पार्ट शुरू होता है जहाँ पे इवांस एस्केप्ड है। वो अपना ये पूरे दिन एक ही दिन की बात है, सुबह एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, अब ये शाम की ही बात है कि इवांस अपना लंच करके आ रहा, सॉरी शाम की नहीं दोपहर की बात है कि इवांस लंच करके बड़े आराम से आ रहे, राइट। एग्ज़ाम आई थिंक गॉट ओवर एट समथिंग 12:25 और 11:25 ऐसे तो कुछ टाइम था। वो लंच करके आ रहा है, वो होटल में जाता है, रिसेप्शनिस्ट को विंक करता है, मतलब रिसेप्शनिस्ट को विंक करना शो करता है कि ही सच अ जोवियल पर्सन, उसको कोई टेंशन नहीं है कि मुझे कोई पकड़ लेगा। बड़े आराम से रूम में जाता है, रूम में कौन होता है, गवर्नर, एंड देन गवर्नर एंड ही टॉक एंड ही टेल्स द एंटायर एस्केप प्लान। लास्ट के जो उनके डायलॉग्स होते हैं वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इवांस यू नो ही सच अ चीकी पर्सन। चीकी का मतलब होता है CHEEKY, चीकी का मतलब होता है जिसको मुसीबत, मतलब यू नो उसको पता ही गेट इन टू ट्रबल बट वो डरता नहीं है। मतलब बच्चों को पता होता है कि अगर वो मैम के साथ कुछ हंसी मजाक करेंगे तो हो सकता है उनको झड़प आ जाए, राइट। बट वो फिर भी हंसी मजाक करने से, कमेंटिंग करने से हटते नहीं है। दीज पीपल आर नोन एज चीकी पीपल। तो ही वॉज चीकी। तो उसने क्या बोला, उसने गवर्नर को बोला कि आपके ऑफ प्रिजन में इटालियन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो गवर्नर ने बोला कि तुम अगले सितंबर तक हमारे पास नहीं होगे कि तुम्हें इटालियन पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर वो आगे जवाब देता है, हाँ शायद तो मैं नहीं होऊंगा, शायद तो मैं नहीं होऊंगा। अब इवांस ने ये बात क्यों बोली, बिकॉज ही हैड ऑलरेडी पुट हिज सेकेंड प्लान बी इनटू एक्शन, है ना। उसने ऑलरेडी सेकेंड प्लान उसका अपना ऑलरेडी अरेंज था, वॉज इन प्लेस, तो उसको डर नहीं था दैट ही वुड बी कैप्चर्ड अगेन, राइट। और गवर्नर ने क्यों बोला था कि वो सितंबर में उनके साथ नहीं होगा, यस बिकॉज गवर्नर रेज्यूम दैट ही विल बी शिफ्टेड टू अ हाई सिक्योरिटी प्रिजन, राइट। तो अब जब उसने बोला, नीचे लेके गए दो प्रिजन ऑफिसर्स और एक प्रिजन वैन में उनको डाल दिया। अब जैसी वैन चली, वन ऑफ द ऑफिसर्स गॉट अप एंड अनहैंडकफ्ड इवांस, और जो ड्राइवर था उन्होंने स्कॉटिश एक्सेंट में पूछा, वेयर टू गवर्नर, राइट। अब ये ड्राइवर कौन था, दैट इम्पोस्टर मैक्लियर, जो एग्जाम लेने जेल आया था, दैट सेम पर्सन वॉज द ड्राइवर, राइट। एंड इवांस ने जवाब दिया दैट न्यूबरी, उसने बोला ना वेयर टू गवर्नर, कहाँ जाना है, तो इवांस ने जवाब दिया न्यूबरी। Why did Evans choose Newbury? Because that was the last place where the prison authorities would look. एक बार वो Newbury में जाके अपनी बेइज्जती करवा चुके हैं। They had already gone on a wild goose chase. Wild goose chase मतलब वहाँ पे क्वारी नहीं है आपकी, आपका प्रिजनर वहाँ पे नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट करने उस जगह पे चले जाते हो, दैट इज़ नोन एज अ वाइल्ड गूस चेस। तो वो दोबारा वहाँ जाके अपनी बेइज्जती नहीं कराते। तो फिलहाल के लिए न्यूबरी वॉज क्वाइट सेफ फॉर इवांस, क्लियर। सो दिस इज़ द एंटायर समरी।